आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज, मैं हूं मुकेश परमार, आपके बीच में लेकर आया हूं खबर। इस समय मैं पिटोल बॉर्डर पर मौजूद हूं। यहां पर जो गुजरात से वो अन्य राज्य अन्य जिलों से फंस जो फंसे हुए मजदूर से जो गुजरात से उनको एमपी में आना था, उन्होंने किस स्थिति से आए हैं, कैसे आए हैं, उनसे हम पूछते हैं। क्या नाम है भैया? जितेंद्र अस्ताया। आप कहाँ पर फंसे हुए थे? मोरबी। मोरबी में जी। क्या स्थिति है वहाँ लोगों की, आप कैसे निकल कर आए हैं, पूरा बताइए। वहाँ पे स्थिति ऐसी है कि वहाँ हर कोई आदमी फंसा हुआ है, अपनी मर्जी से कोई नहीं रुकना चाहता है। कोई भी जिला का हो, कोई भी राज्य का हो, एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, किसी भी राज्य का हो, कोई रुकना नहीं चाहता है। तो वहाँ सिर्फ मजबूरी के कारण पड़े हुए, अगर उन लोगों के पास अगर कुछ वाहन वाहन जाता है तो सभी अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के निकल आएंगे। उन लोगों को पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो बोलते हैं हम आपका भाड़ा वाड़ा कुछ नहीं लेंगे, हमको सिर्फ आपको छोड़ना है घर, आप वाहन की व्यवस्था करवा दीजिए। खाने वाने की है तो हर पाँच या दो चार पाँच दिन में सेट लोग आके बोलते हैं 3 दिन के बाद कारखाना चालू करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आने की, हर कोई अपने घर आना चाहता है। लेकिन आप कैसे आए? आप हम आधी दूर पैदल चले, फिर किसी गाड़ी वाली से लिफ्ट मांगी तो गाड़ी वाले ने रोका, थोड़ी देर रखकर उसने बॉर्डर के डर के मारे उसने छोड़ दिया, फिर आगे पुलिस वालों को देखा तो दूसरे गाड़ी वालों ने उतार दिया और आधी दूर पैदल चले हैं। लगभग हम कम से कम 100 किलोमीटर पैदल चले हुए हैं। गुजरात के कई जिलों से मजदूर आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर राजकोट है, मोरबी है या अमरेली है, इन इलाकों में नहीं आ पा रहे हैं। आपको व्यवस्था नहीं हो पा रही सर किसी भी चीज़ की, और कोई निकलने नहीं दे रहा है। वहाँ पुलिस प्रशासन का थोड़ा स्ट्रिक्ट माहौल ज़्यादा है, पुलिस वाले अगर कोई आता है तो मार के वापस कारखाना में भेज देते हैं उन लोगों को। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है। आपने पास कैसे बनाया? पास ही नहीं। जी नहीं, हम इलीगल आए, पास से नहीं आए। पास कैसे बनाते हैं? जब वो बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप अपनी मर्जी से जाओ वहाँ पे, ऑनलाइन फॉर्म भरो, और दूसरी बात ये है कि मेडिकल करवाओ, बस का इंतजाम भी आप ही को करना है, गाड़ी का इंतजाम भी आप ही को करना है, तो कहाँ से कर पाएंगे हम लोग? वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम तो मजदूर आदमी हम कैसे कर पाएंगे? ऑनलाइन किसको आता है? मोबाइल अगर मान लो एंड्रॉइड, इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन सभी काम कर लेगा, ये दिक्कतें आ रही है वहाँ पे। मतलब अगर वहाँ के सरपंच हो या जनप्रतिनिधि अगर लिख के दे दे तो आ सकते हैं, ये भी है। हाँ, ये वो अगर सपोर्ट करे, प्रशासन सपोर्ट करेगी तो वो लोग जरूर निकल आएंगे, आ सकते हैं। आपका क्या मानना है किन किन जिलों में ज़्यादा परेशानी आ रही है? हम तो अभी मोरबी से बिलोंग करते हैं, मोरबी में ही रहते हैं, मोरबी में ही काम करते हैं, तो ज़्यादातर के रहने वाले देवास का हूँ, अपने एमपी देवास का। और दूसरी बात यह है कि मैं 22 साल से वहीं पे काम कर रहा हूँ, लेकिन इस पहली बार ऐसा लगा कि मेरे को इलीगल भाग के आना पड़ा 22 साल के अंदर में, कभी नहीं ना ऐसे ऐसी स्थिति भी नहीं है, वो बात भी सही है। लेकिन सपोर्ट, जहाँ हम काम कर रहे हैं 22 साल हमने दिया है मोरबी को, उन लोगों ने सपोर्ट छोड़ दिया हमारा, तो 22 साल हमारे बेकार चले गए। महेश, तो ये महेश जी ने बताया किन परिस्थितियों से ये निकल कर आए हैं, क्योंकि वहाँ जितनी समझदारी होगी वो समझदार होगा तो ही व्यक्ति यहाँ तक आ पाएगा, चाहे वो पास से बना के ले आ रहा है या प्रशासन के सहयोग से आ रहा है। लेकिन ये परिस्थितियों हैं गंभीर है, क्योंकि मजबूर खाने पीने के लिए मजदूर है, वहाँ की स्थिति परेशान है, उन लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा समय पे, हर चीज़ की परेशानी है जो मजदूर है। लेकिन आप देख सकते हैं जो मैं अभी बॉर्डर पे हूँ, यहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे, मजदूर फंसे हुए थे, लगातार हमने उनसे बात पूछने की भी कोशिश की किस तरह वो आए हैं, तो ये नए इन्होंने बताया इस तरह के हालात है कि किस परिस्थितियों से, क्योंकि प्रशासन ने तो दावे कह दिए हैं कि हम सभी को लाएंगे मजदूरों को, लेकिन ये अलीगल बात है, सिर्फ कागजों पे हो पा रही है। जो आंकड़े हैं निकल कर सामने आ रहे हैं वो सिर्फ उनके आंकड़ों की बात करें तो यहाँ के जो मजदूर है करीबन 3 लाख के आसपास के आंकड़े हैं निकल कर आए हैं। उन्होंने इस मजदूर यहाँ झाबुआ और रियासपुर और ट्राइबल इलाकों की बात करें तो ट्राइबल इलाकों से मजदूर अन्य राज्यों में भी गए हैं वो बड़ी मात्रा में, लेकिन जो सरकार के आंकड़े आए हैं वो सिर्फ 72,000 ही आंकड़ा निकल कर आया है। यानी कि साफ है कि इन आंकड़ों में भी सरकार प्रशासन ने भी अपने आंकड़ों में फेरबदल किया है, यानी कि वो शिक्षा विभाग का वो आंकड़ा है कि झाबुआ और ट्राइबल इलाकों से 72,000 का ही मजदूर पलायन पे गए हैं। यानी कि जो आंकड़ा है, हम नहीं कह रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान का जो आंकड़ा निकल कर आया है उन आंकड़ों के अनुसार आप बता रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो ट्राइबल इलाका है इन आदिवासी इलाकों के करीबन 3 लाख के आसपास जो आंकड़ा है वो मजदूर गए हैं। हमारे साथ में जेएस के जिला प्रभारी है विजय भाई। यहाँ के जो प्रशासन ने कहा कि मजदूर फंसे हैं गुजरात व अन्य राज्य में, करीबन ट्राइबल इलाका बड़वानी हो, धार हो, झाबुआ हो, रतलाम हो, इन इलाकों में कि 72,000 का ही मजदूर पलायन पे गए, इन्हीं हिसाब से ही लाने की तैयारी की गई है। आप क्या देखते हैं इन आंकड़ों को लेकर? ये इन आंकड़ों को लेकर मैं ये देखता हूँ कि देखो अभी तो झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर और खरगोन खंडवा ये
ये लोग तो अभी आया ही नहीं है, ये बाहर मतलब कहने का मतलब यूपी और ग्वालियर भिंड मुरैना के लोग सबसे ज़्यादा आए अभी तक यहाँ से, मतलब 30% लोग अपने आदिवासी भाई लोग आए हुए हैं अभी तक 30% लोग। लेकिन झाबुआ का जो आंकड़ा है सिर्फ 4000 ही मजदूर पलायन पे गए, आप मान रहे हैं क्या 4000 है? नहीं नहीं, ये 80% लोग हैं झाबुआ जिले के लोग पलायन पे गए, 80% आदिवासी। मतलब यह साफ है कि सरकार ने इस आंकड़ों में फेरबदल किया, यानी कि जिस तरह सर्वे हुआ है उस हिसाब से सर्वे भी नहीं हो पाया। ये तो सब वोट बैंक की राजनीति है, बाकी तो कुछ ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो भी है ना, गवर्नमेंट को भी आदिवासी झाबुआ जिले का 80% गए, उसमें से 20% ही लोग आए हैं अभी तक। यानी कि इस तरह विजय भाई इनका भी कहना है कि 20% ही लोग आए हैं। आप देख सकते हो किस तरह की ये परिस्थिति, सरकार अपने आप को इन आंकड़ों को दबाना चाहती, इन आंकड़ों को जनता के सामने दिखाना नहीं चाहती, ये एक बड़ी चीज़ है। तो इस समय में मैं बॉर्डर पे हूँ, जो गुजरात और एमपी की बॉर्डर हैं। आज लगातार अपने एमपी के और गुजरात में जो फंसे मजदूर आ रहे हैं लगातार, उनका सिलसिला भी शुरू है। और ऐसे में जो यूपी के हैं उन्हें सब बॉर्डर से ही वापस उन्हें अपने जहाँ है वहीं रिटर्न कर दिया जा रहा है। लोग गुजरात वन्य राज्य जो राज्य हैं गुजरात में हैं उन्हीं मजदूरों को वापस लौटा जा रहा है यूपी, सिर्फ मध्य प्रदेश के ही को आने की अनुमति जारी है। तो ये हमारे साथ में कहाँ से आए हो? नवागाम से। नवागाम गुजरात कहाँ पे? कौन से जिले में? देवभूमि द्वारका। अच्छा, अभी जो बताया था वो। तो इस तरह की मैं आपको खबरें देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपके बीच में जैसे ही खबर का अपडेट मिलता रहेगा आपके बीच में आता रहूँगा। नमस्कार।